भाई साहब, डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने क्या किलर सूप बनाया है और इंग्रेडिएंट्स एकदम चुन चुन के डाला है। मनोज बाजपेयी, कोंकणा सेन शर्मा, सच पूछो तो मजा आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोग भी सोचोगे मैं क्या उटपटांग की बातें कर रही हूँ। शेफ को डायरेक्टर बुला रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स में इंसानों के नाम बता रही हूँ, एक्टर्स के नाम बता रही हूँ। सुनिए मेरी बात अच्छे से, ध्यान देके। मैं किसी रेसिपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए किलर सूप सीरीज की बात कर रही हूँ। सच पूछिए, काफी लंबे टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ देखा है। ये सीरीज एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है और उसी से इंस्पायर्ड है। भले इन लोगों ने खुल के डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल को देखने के बाद या पढ़ने के बाद आप इसकी स्टोरी से 80-90% रिलेट कर पाएंगे कि ये सीरीज की स्टोरी इस ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। अगर आप लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा तो देर मत करिए, यू विल रिग्रेट इट लेटर। जाइए और तुरंत देखिए। अगर अभी भी आपको इसको देखने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मैं आपको इसके 6 सॉलिड रीजंस दूंगी कि आपको किलर सूप क्यों देखनी चाहिए। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स, वो मनोज बाजपेयी हो, कोंकणा सेन शर्मा हो, या जितने भी साथी कलाकार हैं उनकी एक्टिंग की बात करिए। सारे किरदार में, जो किरदार उन्होंने प्ले किया है, सारे किरदार में इतने सारे डायमेंशंस हैं और इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने इसे पोर्ट्रे किया है, आप पागल हो जाएंगे देख के इन लोगों को। दूसरा रीजन है द प्रोडक्शन डिजाइन। ये स्टोरी एक फिक्शनल हिल स्टेशन पे बेस करके बनाया गया है और इसके कैरेक्टर्स, द फूड, द इंग्रेडिएंट, पूरा का पूरा सेट, सब कुछ में आपको एक अलग तरीके का स्पिरिट नजर आएगा जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरी तरीके से बांध के रखेगा। आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे, एक पल के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा खींचा जा रहा है, या एक पल के लिए भी आपकी आंखें इधर उधर नहीं होगी। आप इतने ज्यादा फोकस होके इसे देखना पसंद करेंगे। तीसरा रीजन है इसका एंगेजिंग स्क्रीन प्ले। ये स्टोरी एक औरत पे बेस्ड है जो अपने हस्बैंड के जगह पे अपने लवर को रिप्लेस करती है और इस इवेंट को अंजाम देने के लिए उसे ऐसे कई सारे इवेंट्स को फेस करते हुए आगे बढ़ते जाना होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिर में उसका अंजाम क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको फर्स्ट से लास्ट तक एकदम से बैठ के देखना पड़ेगा। मतलब आपको इतना ज़्यादा इसके हर एक रोल, हर एक कैरेक्टर, हर एक स्क्रीन, हर एक मोमेंट पकड़ के रखेगी कि आप स्किप नहीं कर पाओगे, एक भी मोमेंट स्किप नहीं कर पाओगे। और अगर स्किप कर दिया तो एक बहुत ही अहम हिस्सा आपसे छूट जाएगा जिसे शायद आपको वापस से रिवाइंड करके देखना पड़े। माना कि ये एक थ्रिलर है और ये बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखेगा आपको, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है। इतने मज़ेदार कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो सीरियस कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कोंकणा या मनोज बाजपेयी, इनके कैरेक्टर में भी आपको एट टाइम्स इतनी ज़्यादा ह्यूमर नज़र आएगी कि आपको हंसी नहीं रोकी जाएगी आपसे। फिफ्थ रीजन तो यही है कि 2017 में तेलंगाना में हुए इस ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है ये स्टोरी, जिसे आप इस ट्रू इवेंट की न्यूज आर्टिकल के साथ अगर स्टोरी को मिला के देखेंगे आपको 80-90% सिमिलैरिटी नजर आएगी। सिर्फ नाम में कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सीन्स डाले गए हैं, अदरवाइज स्टोरी आपको कंप्लीटली सेम नजर आएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ डायलॉग्स। इसकी राइटिंग, इसकी स्क्रीन प्ले इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है और इतने फ्रेश डायलॉग्स आपको इसमें सुनने को मिलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई रिपीट देख रहे हो या कोई पुराना डायलॉग सुन रहे हो। आपको हर एक डायलॉग एक फ्रेश डायलॉग पता चलेगा, एक फ्रेश डायलॉग फील होगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा हर एक डायलॉग में। वो इसमें डेफिनेटली अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए गए हैं, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज किए गए हैं। ये ए रेटेड फिल्म भी है, इसमें काफ़ी सारे सेक्सुअल सीन्स भी है, बट स्टिल आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी स्टोरी आपने शायद ही पहले देखी होगी।
तो बस अब देर किस बात की है, जाइए और फटाफट से देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करके जाना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।